बिहार में हो रही जातिवाद जनगणना को लेकर एक बड़ी खबर आई है। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के जातिवाद जनगणना कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी इसके खिलाफ और उस पर फैसला सुनाते हुए जो पटना हाईकोर्ट है उसने अंतरिम रोक लगा दी है। फैसला जो है चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने सुनाया और ये अंतरिम बैन लग गया है और अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। ये एक बड़ी खबर आपसे थोड़ी देर पहले आई है। बिहार सरकार ने फैसला लिया था कि वो सूबे में जातिवाद जनगणना कराएगी और यानी जो लोग हैं वो जातियों के हिसाब से पता लगाएगी कि किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है। ये फैसला लिया गया था बिहार के नीतीश कुमार सरकार की ओर से, जिसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी नाम का एक संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट में उसने PIL दाखिल की थी कि ये भेदभाव वाला फैसला है, जातियों की जनगणना करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाईकोर्ट जाइए पहले, बाद में हमारे पास आना। और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि आपको 3 दिन में इस PIL पर अपना फैसला सुनाना होगा, पेंडिंग नहीं रख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और आप देखिए कि जब दलित बहुजनों से जुड़े हुए मसले होते हैं तो कोर्ट कितना ज़्यादा एक्टिव होता है। तुरंत इस पर सुनवाई हुई और पटना हाई कोर्ट ने जो है इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था कल और आज इस पर अंतरिम बैन लगा दिया। अगली सुनवाई 3 जुलाई होगी, यानी कि 3 जुलाई तक इस पर रोक लग गई है कि अब वहाँ जातिवाद जनगणना नहीं होगी। 3 जुलाई में जो सुनवाई होगी उसके बाद जो फैसला आएगा या वो आगे जारी रहेगा बैन, ये तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल खबर यही है, आसान भाषा में खबर आपको समझनी है तो वो ये है कि बिहार में जातियों की गिनती नहीं होगी, जातिवार जनगणना नहीं होगी। ये एक बड़ा फैसला हुआ है। आप देखिए, खासकर जब दलित बहुजनों से जुड़े हुए मसले होते हैं, उनके आरक्षण से जुड़ा हुआ मसला, उनके एडमिशन से जुड़ा हुआ मसला हो, उनकी नौकरियों से जुड़ा हुआ मसला हो, जातिवाद जनगणना से जुड़ा हुआ मसला हो, प्रतिनिधित्व की गारंटी से जुड़ा हुआ कोई मसला हो, तो तुरंत सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। खासकर यूथ फॉर इक्वालिटी जैसे जो सवर्णों के संगठन हैं वो इनके खिलाफ कोर्ट पहुँचते हैं, फिर उनको उनकी जो पेंडिंग है PIL वो पेंडिंग कभी नहीं रहेगी। आपको बहुत रेयर ऐसा मिलेगा कि वो पेंडिंग रहे कई महीनों तक, उस पर तुरंत सुनवाई हो जाती है, लिस्ट हो जाती है वो कोर्ट में, उस पर फैसले आ जाते हैं और ये बहुजनों से जुड़े हुए जो केस हैं इसको लटका दिया जाता है, उसको उस पर रोक लगा दी जाती है। जबकि जो दूसरे मसले हैं, आप देखिए कि राजस्थान हाईकोर्ट में मनु का जो स्टैचू, उसको हटाने की जो याचिका है वो पिछले कितने 34-35 साल से लंबित पड़ी हुई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बड़ा लोगों की मांग है कि उसको हटाया जाए लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। नीट OBC का मसला था तभी उस पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन जो बहुजनों से जुड़े हुए मसले होते हैं उस पर तुरंत कोर्ट भी एक्टिव हो जाते हैं और अपना फैसला सुना देते हैं। यह अब आप खबर समझ चुके हैं कि जातिवाद जनगणना पर रोक लग चुकी है। ये बिहार सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार की सरकार जो है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, वो लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से मांग की थी कि जातिवाद जनगणना कराई जाए। लंबे समय से मांग हो रही है कि इस देश में जातियों की गिनती होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि आप उसके लिए नीतियाँ बना सकें। लेकिन मोदी सरकार ने जातिवाद जनगणना कराने से इनकार कर दिया। ये वादा खिलाफी की गई है, क्योंकि जब पिछली बार मनमोहन सिंह सरकार थी तो उन्होंने जातीय आधार पर सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस कराने की बात की थी, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, डेटा इकट्ठा किया गया था। लेकिन मोदी सरकार जब 2014 में सत्ता में आई तो उन्होंने आंकड़े जारी नहीं किए। ये कहा गया कि आंकड़ों में बहुत सारी त्रुटियां हैं, लाखों गलतियां हैं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जारी नहीं किए जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपए का, आप इसे घोटाला भी कह सकते हैं कि जातियों की गिनती पर खर्च हुए लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं हुआ, 5,000 करोड़ रुपए के करीब अमाउंट गायब कर दिया गया, घोटाला इसको कह सकते हैं। अब उसके बाद जो सरकार है उसने ये दावा किया था कि हम जातिवाद जनगणना कराएंगे, क्योंकि 2019 के चुनाव आने वाले थे। अरुण जेटली और राजनाथ सिंह खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि हम जातिवाद जनगणना कराएंगे, लेकिन उसके बाद चुनाव का बीतते ही 2019 के बाद वो अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने जातिवाद जनगणना नहीं कराई। और अब क्योंकि 2020 में जो 10 सालों में जनगणना हमारे देश की होती है वो नहीं हुई है, क्योंकि कोरोना का हवाला दिया गया, ये कहा गया कि अब हम बाद में कराएंगे, लेकिन अभी उसके साथ जाति जनगणना कराने से सरकार ने मना कर दिया था, जिसके खिलाफ बहुजन समाज के नेता, तमाम दल, पार्टियां, कार्यकर्ता, संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जातिवाद जनगणना की मांग कर रहे थे। आखिरकार मोदी सरकार ने इस फैसले को नहीं माना, लेकिन बिहार सरकार ने अपने राज्य में यानी बिहार के लेवल पर जातियों की गिनती कराने का फैसला लिया था, जिसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर हाईकोर्ट से उस पर बैन लग गया। लेकिन यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि जातियों की गिनती आपको
क्यों चाहिए, आपको क्यों जातिवाद जनगणना की ज़रूरत है। इस देश में अगर आप भेड़ कितने हैं ये जानना चाहें, इस देश में आप गायें कितनी हैं वो जानना चाहें, आप कुत्ते बिल्ली गधे बकरे घोड़े किसी भी जानवर की अगर आप संख्या जानना चाहेंगे तो आप जाइए सरकारी वेबसाइट्स पर, उसके डेटा अवेलेबल हैं, नंबर आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस देश में कितने सवर्ण हैं, इस देश में कितने ओबीसी हैं, ये अगर आप डेटा जानना चाहें तो उसकी आपको जानकारी नहीं मिलेगी। गायें और बछड़ों की तो गिनती होती है लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती, पिछड़े कितने हमारे देश में, उनकी कितनी आबादी है, इसकी आपको संख्या नहीं पता चलेगी। और ये संख्या जानना क्यों ज़रूरी है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप किसी के यहाँ खाना लेके जा रहे हैं और आपको मालूम है कि वहाँ पर कितने लोग हैं, तो आप उस हिसाब से खाने की क्वांटिटी लेके जाएंगे कि मैं सबको दे दूँ, सबका पेट भर जाए। लेकिन आपको यही पता ही ना हो कि उस घर में जो है 50 लोग हैं और आप सिर्फ 10 लोगों का खाना लेके जाएँ, तो भला वो बाकी के 40 लोग क्या खाएंगे, किसी का भी पेट नहीं भरेगा। हो सकता है कुछ लोग उसमें से पेट भर लें, अपना खा जाएँ, और बाकी जो हैं वो ऐसे ही भूखे रह जाएँ, उनको कुछ ना मिले। तो जब हम कोई नीति बनाते हैं, जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें डेटा हमारे पास होना बहुत जरूरी होता है। कितना फंड एलोकेट किया जाना चाहिए, कितने स्कूल बनाने की जरूरत है, कितने लोगों को स्कॉलरशिप देने की जरूरत है, क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, इसके लिए हमारे पास नंबर होना बहुत जरूरी है। जैसे कोविड में आपने देखा कि इतने पेशेंट बीमार हैं तो इतने बेड चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए, आपको अनुमान लगाने में, आपको उसके लिए एक नीति बनाने में आसानी होती है। इसलिए जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण जातियों के लोग हैं, उनकी गिनती करना बहुत ज़रूरी है कि पता चले कि उनकी संख्या कितनी है, उस हिसाब से फिर नीतियाँ बनाई जा सकें। और फिर इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे ये पता चलेगा कि कौन सी नौकरियों में कौन जाति के लोग सबसे ज़्यादा हैं। ये एक सबसे बड़ा जो इसमें से निकल के आएगा डेटा वो ये होगा कि जातिवार आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जाति के लोग कौन हैं जो नौकरियों में हैं, शिक्षा में हैं, या जो देश के निर्माण में भागीदारी के जो उपक्रम हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसकी नुमाइंदगी है, कौन मलाई खा रहा है। साधारण भाषा में आप समझिए कि कौन सबसे ज़्यादा मलाई खा रहा है और कौन बेचारा कुपोषण से पीड़ित है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। जातिवार जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद ये पता चल जाएगा। और यही वो वजह है कि जो खासकर सवर्ण लोग हैं वो नहीं चाहते कि जातियों की गिनती हो, क्योंकि इससे ये भेद खुल जाएगा कि उन सवर्णों में भी चंद जातियों के लोग ही सबसे ज़्यादा नौकरियां मलाई खा रहे हैं और उनमें भी कुछ जातियों के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ ये हिंदुत्व की छवि पे उनको एकजुट किए हुए हैं, उनके हिस्सा भी वो खा रहे हैं, किसकी हकमारी कौन कर रहा है, ये आंकड़े सामने आ जाएंगे। और जब डेटा होगा तो ओबीसी की आबादी, क्योंकि एक अनुमान है कि वो आधी फीसदी, जो आधा जो आबादी है भारत की उससे भी ज़्यादा है, कुछ लोग 60% का अनुमान लगाते हैं, कुछ लोग 55% का अनुमान लगाते हैं। ये आंकड़े जो है, क्योंकि जनगणना नहीं होती है तो उसका कोई ठोस आंकड़े सामने नहीं है, लेकिन एक अनुमान है कि ऑलमोस्ट 50-60% आबादी ओबीसी है, लेकिन उनको आरक्षण जो है वो सिर्फ 27% मिला। आप जानते हैं भारत में जातिवार जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई है। 1931 में आखिरी बार भारत की जनगणना हुई थी जिसमें जातियों के आधार पर गिनती की गई थी। अंग्रेज जो है वो जातियां गिन रहे थे, लेकिन फिर जो है विश्व युद्ध छिड़ गया था, उसके बाद जो है गणना नहीं हुई थी। तो उसके बाद जब भारत बना, संविधान लागू हुआ, तो जातियों की गिनती को छोड़ दिया गया। लेकिन जातियों की गिनती होना बहुत ज़रूरी है ताकि पॉलिसी बन सके, पता चल सके कि कौन किसका हक खा रहा है। हमारे देश में जो SC हैं और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जातिवार जनगणना होती है। जब जाति की जब जो सामान्य कास्ट सेंसस होता है उसमें कास्ट भी लिखी जाती है उन लोगों की, SC ST की गिनती हमारे देश में है कि उनकी आबादी कितनी है, लेकिन OBC की और सवर्णों की गिनती नहीं होती है। सवर्ण बहुत चंद संख्या में हैं लेकिन बड़े हिस्से पर राज कर रहे हैं, इसलिए पता चलना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा मज़े लूट रहा है और किसका हक सबसे कम है। अगर ये आंकड़े सामने आते हैं तो ओबीसी समाज जो है अपनी आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग कर सकता है। आप देखिए EWS जो है सवर्णों को एक्सक्लूसिव 10%, सुदामा कोटा दिया गया, कोई डेटा नहीं, किसी को नहीं पता कि सवर्णों की आबादी कितनी है। तमिलनाडु में सवर्ण सिर्फ 3% हैं, इसलिए तमिलनाडु की सरकार ने वहाँ 10% का कोटा लागू ही नहीं किया कि हम नहीं करेंगे EWS लागू, क्योंकि सवर्णों की संख्या तो बहुत कम है, 10% किस आधार पर दे रहे हो, कोई डेटा नहीं था। इसलिए जो डेटा होगा तो फिर ये हकमारी जो है उस पर रोक लगेगी और लोगों के हिस्से का काम उन तक पहुंचेगा, उन तक वो सुविधाएं पहुंचेंगी, आरक्षण नुमाइंदगी के हिसाब से होगा, प्रतिनिधित्व की गारंटी होगी। इसीलिए लोग नहीं चाहते, खासकर जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, सवर्ण संगठन है, वो नहीं चाहते कि पिछड़ों की गिनती हो, सवर्णों की गिनती हो। जब वो सबको हिंदू कहते हैं तो एक बता देते हैं कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन उनके हिस्से में जो चीज़ें आनी चाहिए
रही है उसमें आप जो है ब्राह्मण बन जाते हैं, आप बनिया बन जाते हैं, आप ठाकुर बन जाते हैं, कोई दलित बन जाता है, कोई पिछड़ा बन जाता है, उस समय आपकी हिंदू की पहचान नहीं दिखती। ये अगर हिंदू मान रहे होते तो भला आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए थी कि OBC की गिनती हो जाती, उनकी जातियों में पता चल जाता कि कितना इनका स्तर है, शैक्षणिक का, शिक्षा का, तमाम सुविधाओं का पता चल जाता, जिससे आगे नीतियां बनाने में आसानी होती। इसके खिलाफ सवर्ण कोर्ट पहुंच गया और अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। बहुजन समाज के लिए निराश करने वाली खबर है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए, हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर कोई बड़ी आंदोलन हो और हो सकता है मोदी सरकार को भी जो है झुकना पड़े और बहुजनों को गिनना पड़े, उनकी जातिवाद जनगणना करानी पड़े। इसलिए ज़रूरी है कि सब लोग जो है इस खबर को अन्य लोगों तक पहुंचाएं। आपसे अपील है कि अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। एक छोटी सी अपील आपके नाम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीट का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीट फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीट फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें। जातिवाद जनगणना पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और कॉलेजियम सिस्टम के जरिए कोर्ट में कैसे खेल हो रहा है उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। आपसे अपील है कि वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, हमें सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ बीक।